दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि कई लोगों के मसूड़ों में तेज दर्द होता है, जिसकी वजह से मसूड़े सूज जाते हैं, मसूड़ों में सूजन आ जाती है। इसके साथ ही मसूड़ों से खून और मवाद भी आने लगता है। अगर आपके मसूड़ों में तेज दर्द रहता है, सूजन रहती है और आप इसका सही इलाज नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपके दांत भी कमजोर पड़ जाएंगे, दांतों में कीड़े लग जाएंगे और दांत खराब होने लगेंगे। ऐसे में आपको पायरिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जो कि दांत की एक गंभीर समस्या है। मसूड़े में दर्द और सूजन होने का कई कारण हो सकता है, जैसे कि दांतों में सही ढंग से ब्रश न करना। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो भी आपके मसूड़े में दर्द के साथ सूजन रहेगी, खून भी आएगा। शरीर में अगर कुपोषण है या फिर मल्टी मिनरल्स और मल्टी विटामिन्स की कमी है, तो भी मसूड़ों में दर्द और सूजन आएगा। इसके साथ ही साथ दांतों में से बराबर खून निकलता रहता है। जिन लोगों को विटामिन सी की कमी होती है, उन लोगों के भी मसूड़े से खून बराबर आता रहता है। डायबिटीज के कारण भी मसूड़ों में घाव बनता है, दांत कमजोर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप ज्यादा मीठी चीजें खाते हैं तो भी आपके दांत कमजोर हो जाएंगे, मसूड़ों में दर्द और सूजन बराबर रहने लगेगा, मसूड़ों से खून और पस भी आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अपने दांतों की अच्छी तरीके से सफाई किया करें, रात का खाना खाने के बाद ब्रश जरूर किया करें, और सबसे जरूरी बात, जब भी कभी आप कुछ मीठा खाएं तो कुल्ला करना बिल्कुल भी ना भूलें, मीठा खाने के बाद कुल्ला जरूर करें। चलिए आइए अब हम जानते हैं कुछ घरेलू उपायों के बारे में, जिनसे आप मसूड़े से जुड़ी सभी परेशानी को कुछ ही दिनों में बिल्कुल जड़ से गायब कर देंगे। आपके दांत मजबूत होंगे, मसूड़ों में दर्द और सूजन बिल्कुल गायब होगा, दांत मजबूत होंगे, दांतों में कीड़े की समस्या भी दूर होगी। इसके साथ ही मैं आपको एक होममेड टूथपेस्ट के बारे में भी बताऊंगा, जो आपके दांतों से जुड़ी सभी परेशानियों को चुटकियों में गायब कर देगा। अगर किसी कारण से मसूड़ों में दर्द होने लगे, मसूड़ों में सूजन आ रही हो, तो नमक के पानी से कुल्ला जरूर करना चाहिए। नमक के पानी से दांत में होने वाली समस्या से कुछ देर के लिए राहत मिलती है। अगर किसी कारण से आपके मसूड़ों और दांतों में इन्फेक्शन हो रहा होगा, तो वो भी बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, कुल्ला करने के बाद आप अपने दांतों और मसूड़ों की लौंग के तेल से मसाज जरूर करिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ कुल्ला करने से आपको कुछ देर के लिए दांतों में दर्द से राहत मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको परमानेंटली मसूड़ों के दर्द और सूजन से छुटकारा पाना है, नमक के पानी से कुल्ला करने के बाद लौंग के तेल से अपने दांतों और मसूड़ों की 5 मिनट तक हल्के हल्के उंगलियों के सहारे मसाज जरूर करनी चाहिए। इससे मसूड़े और दांत दोनों मजबूत होते हैं। मसूड़े और दांत के दर्द को दूर करने के लिए लौंग का तेल सबसे कारगर उपाय है। जिन लोगों के दांतों में कीड़े लग गए हैं, दांतों में ठंडा गर्म पानी लगता है, दांत कमजोर हो गए हैं, मसूड़ों से खून आता है, मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है, उन लोगों को भी रोजाना सुबह और शाम अपने दांतों की लौंग के तेल से 5 मिनट तक मसाज जरूर करनी चाहिए। अगर आपके मसूड़ों में तेज दर्द रहता है, मसूड़ों में सूजन रहती है, दांतों से खून आता है, मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है, तब आपको बबूल की छाल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। बबूल की छाल मसूड़ों के दर्द और सूजन से छुटकारा पाने का एक बहुत ही चमत्कारी उपाय है। दांतों और मसूड़ों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होने पर बबूल की छाल को रात में सोने से पहले 1 ग्लास पानी में भिगो करके रख दीजिए। सुबह उठकर ब्रश करने से पहले माउथ वॉश की तरह इस पानी से कुल्ला कीजिए। करीब 5 मिनट तक इस पानी से आपको कुल्ला जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से दांतों और मसूड़ों से रिलेटेड लगभग सभी रोग तुरंत ही समाप्त होते हैं। मसूड़ों में दर्द और सूजन तो एक बार के प्रयोग से ही समाप्त होगा। आप चाहें तो दिन में 2 बार बबूल के छाल के माउथ वॉश से कुल्ला कर सकते हैं। मसूड़े की सूजन को दूर करने के लिए कैस्टर ऑयल यानी कि अरंड का तेल बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। अपने दांतों और मसूड़ों की कैस्टर ऑयल से 5 मिनट तक हल्के हल्के उंगलियों के सहारे मसाज करनी चाहिए। ऐसा करने से मसूड़ों में होने वाला दर्द सूजन तुरंत दूर होता है। इस नुस्खे का प्रयोग अगर आप रात में खाना खाने के बाद करेंगे तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, कैस्टर ऑयल से मसाज करने के बाद आपको 1-1.5 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। इसे अपने दांतों और मसूड़ों पर ऐसे ही लगा छोड़ देना है। अगर आपके मसूड़ों में बहुत ज्यादा सूजन रहती है, हमेशा पस आता रहता है, दांत कमजोर हो गए हैं, तो इसके लिए आप रोजाना सुबह नींबू के पानी से कुल्ला कीजिए।
एक गिलास पानी में एक नींबू का रस निचोड़ करके लगभग 5 से 10 मिनट तक इस पानी से कुल्ला कीजिए। ऐसा करने से भी दांतों में दर्द, सूजन बिल्कुल समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही अगर आपके दांतों से बहुत ज्यादा खून आता है तो ये समस्या भी बिल्कुल जड़ से समाप्त होगी। फिटकरी के पानी से भी कुल्ला करने पर मसूड़ों में सूजन, दांतों में दर्द, दांतों में लगा हुआ कीड़ा, ये सभी समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाती है। दांतों और मसूड़ों की कोई भी परेशानी हो, आपको दिन में एक बार फिटकरी के पानी से कुल्ला जरूर करना चाहिए। इससे दांतों से जुड़े लगभग सभी रोग समाप्त होते हैं। यहाँ तक कि पायरिया की समस्या भी फिटकरी के पानी से कुल्ला करने पर बिल्कुल समाप्त हो जाती है। फिटकरी के पानी से कुल्ला करने पर मसूड़ों में कसाव आता है, मसूड़े मजबूत होते हैं। अगर मसूड़े मजबूत होंगे तो दांत भी मजबूत होंगे, इसलिए फिटकरी के पानी से दिन में एक बार कुल्ला जरूर करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक नेचुरल होममेड टूथपेस्ट के बारे में भी बता देता हूँ। जिन लोगों को दांतों से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है, दांतों में सड़न है, दांतों और मसूड़ों से खून आता है, तो उन्हें इस पेस्ट को अपने घर पर बनाकर जरूर रखना चाहिए। इस पेस्ट से अपने दांतों और मसूड़ों की सुबह शाम मसाज जरूर करनी चाहिए। चलिए आइए जानते हैं कि इस होममेड टूथपेस्ट को आपको बनाना कैसे है। दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए 50 ग्राम आंवले का चूर्ण, 20 ग्राम कैस्टर ऑयल, 10 ग्राम हल्दी और 1 से 1.5 चम्मच लौंग का तेल। इन सब को आपको मिक्स करके किसी एयर टाइट कांच की सीसी में भर के रख देना है। रोजाना सुबह उठकर ब्रश करने के बाद आपको इस पेस्ट से अपने दांतों की हल्के हल्के मसाज करनी है, लगभग 5 से 10 मिनट तक। ऐसा करने से दांतों से जुड़े सभी रोग समाप्त होते हैं। मसूड़ों में दर्द, सूजन, दांतों में ठंडा गर्म पानी लगना, कमजोर दांत, दांतों में अगर कीड़े लग गए हैं तो भी आप इस टूथपेस्ट का प्रयोग करिए। इस होममेड टूथपेस्ट से आपके दांतों से जुड़े सभी रोग बिल्कुल जड़ से समाप्त होंगे। जिन लोगों को पायरिया की समस्या है, दांत कमजोर पड़ गए हैं, वे लोग इस टूथपेस्ट का प्रयोग जरूर करें। इससे दांतों का रोग पायरिया भी जड़ से समाप्त होगा, वो भी कुछ ही दिनों में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको दांतों से जुड़े सभी रोगों का बहुत ही सटीक और आसान इलाज बताया है। आज की ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मिस ना कर पाएं। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे कल शाम एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।